हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ में अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं। इन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इनको फिर अपने डेली रूटीन में यूज करें, रोज़ाना बोलें। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। पहला सेंटेंस है, कपड़े सुखा दो। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। रोज़ाना हम कपड़े धोते हैं, घर में धुलते हैं, तो नेचुरल बात है हम कपड़े सुखाते भी हैं। फिर तो कपड़े सुखाना क्या है, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू, संतरा या कोई भी जिसको मैं छीलना, छील दो। पील ऑफ पोटैटोज, पील ऑफ पोटैटोज। आलू छील दो, संतरा अगर लिखना है तो ऑरेंज, संतरा लिखते ही हमें क्या होगा, ऑरेंज। तो कोई भी चीज़ हमें छीलनी है, इधर इट माइट बी लौकी, कुछ भी हो सकता है, तो उसको पील ऑफ लगाना है हमको। बिस्तर लगा दो, कई बार होता है ना, बिस्तर लगा दो भाई अपना, शाम को कहते हैं हम। मेक द बेड, मेक द बेड, मेक द बेड, बेड नहीं बेड, शॉर्ट साउंड है बेड। मेक द बेड। प्रिपेयर द बेड, प्रिपेयर द बेड। ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड, ओपन द लिड। कैप या कवर कुछ भी बोलें आप, ओपन द कवर, ओपन द कैप, ओपन द लिड। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। टैप जो नल होता है उसको खोल दो। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, टर्न द टैप ऑन या टर्न ऑन द टैप, दोनों ही ठीक हैं। नल बंद कर दो, जब खोलेंगे तो बंद भी करेंगे। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट, स्प्रेड दी बेडशीट, स्प्रेड दी बेडशीट। चादर बिछा दो, बिस्तर पर चादर बिछा दो, तो क्या अंतर आया केवल बिस्तर पर। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। दीवार पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। कई बार दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं ना हम कमर लगा करके, तो उसको क्या कहते हैं, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो, कई बार हम किसी के साथ ही खड़ा है उसके साथ सहारा ले लेते हैं। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, तो सहारा लेने की बेसिकली क्या है, लीन, तो लीन नहीं यूज करना है हमें वर्ड। अक्सर हमें अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सहारा लेना भी नहीं चाहिए। मेरे कंधे पर सिर मत रखो, डू नॉट लीन हैड ऑन माई शोल्डर। कई बार हम बस में जाते हैं, बैठे होते हैं और एक साथी जो पैसेंजर होता है हमारा, वो कंधे पर, हमारे कंधे पर सिर रख के सोने लगता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक क्वाइटली। धीमे, आवाज़ की जो साउंड है वो वॉल्यूम कम रहे उसका। धीरे बोलो, उसकी स्पीड कम रहे। धीमे और धीरे में यही अंतर है, धीरे, धीमे में साउंड कम रहे, वॉल्यूम कम रहे, और धीरे में उसकी स्पीड कम रहे। स्पीक स्लोली, तेज बोलो, स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली, वही बिल्कुल जैसे यहाँ पर है। स्लोली धीमे, क्विकली तेज, सॉफ्टली धीमे और लाउडली ऊंचा जोर से। खाना लगा दो, सर्व द फूड। दबे पांव चलो, वॉक ऑन टिप टो। कई बार हमें कहीं अपने आप को दिखाना नहीं होता, चुपचाप जाना होता है, तो कैसे चलते हैं हम, बिल्कुल पैरों पर, वॉक ऑन दी टिप टो, पंजे पर चलते हैं हम। वो दबे पांव कमरे में घुसा, ही टिप टोड इन टू द रूम। मुझ पर एहसान मत करो, मुझ पर एहसान मत करो, तो इसका मतलब क्या हो, मुझ पर एहसान मत करो, यानी कि डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। ये 20 सेंटेंसेस, इनको आप यूज करें, जब भी बोलना हो इंग्लिश में ही बोलें, इनको इंग्लिश में बोलेंगे, फिर नई वीडियो में फिर 20 आएंगे, ऐसे तो हमारा जो डेली रूटीन है वो सारा कवर हो जाता है इंग्लिश के सेंटेंसेस से। और बाकी हमारे वीडियो, हमारा ऐप जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट सारा डाला हुआ है मैंने, उसे भी आप देख सकते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल एडोग्लोरी लर्निंग एट होम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।